जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता और निर्भव निर्वेर सेवक जत्था एसपी कार्यालय पहुंचा और रांची इलाके के योगेश ड्रेस के संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि 20 फरवरी को प्रदेश व्यापी सांकेतिक बंद के दौरान योगेश भाटिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सिख समाज के लोगों पर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया था, जिसका विरोध करने पर उसके द्वारा रांची थाने में झूठा मामला कांग्रेस के नेताओं पर दर्ज कराया गया है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगेश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की मांग की है। 20 फरवरी को हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा महंगाई को लेकर बंद का आह्वान था, जिसको लेके जबलपुर को भी बंद किया जा रहा था और हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वो रांची क्षेत्र में कर रहे थे। वहाँ पे कोई दुकान ड्रेसेस की खुली देखी तो उनसे निवेदन करने पहुँचे कि आप अपनी दुकान बंद रखिए। तो उसने बहुत बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया और आपत्तिजनक शब्दों से, जैसे हम अपने गाली की बात करते हैं, गाली दी, ऐसे जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनकी शिकायत हमने आज एसपी साहब से की है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि अभी दो दिन पहले बंद कांग्रेस के द्वारा बंद कराया गया था, जिसमें एक भी सिख संगठन ने जाके किसी ने बंद नहीं कराया। वहीं पर योगेश ड्रेसेस द्वारा मंजीत सिंह आहूजा जी को, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जाके वहां बंद कराया। इससे कोई सिख समाज का कोई वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनसे अभद्रता करी और सिख समाज को लेके खालिस्तानी और पता नहीं अनगलन टिप्पणियां, माँ बहन की गालियां बकी, जो मैं अभी बोल भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत ज्यादा मैं रोष व्यक्त करता हूँ। पूरा सिख समाज हमारे मंजीत सिंह आहूजा के साथ में है और इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने क्यों गालियां बकी। समाज बंद कराने नहीं गया था। ये 20 तारीख को जो बंद का आह्वान हुआ था, उस दौरान जो बंद के लिए शांतिपूर्ण निवेदन किया जा रहा था, तो ऐसा कांग्रेस के डेलीगेशन का कहना है कि उनके विरुद्ध जो FIR हुई है गलत हुई है और इन्होंने FIR कराई है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इस संबंध में एक ज्ञापन जो है मेरे द्वारा ये यहाँ पर लिया गया।